माय गॉड, इतने खतरनाक अपडेट। तो सभी को सबसे पहले स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ मुझे नहीं लगता कि शायद आप उसको जानकर खुश होने वाले हो जो कि एंटमैन के डाईहार्ड फैंस हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको उसके प्लॉट्स बताने वाला हूँ, ट्रेलर का अपडेट देने वाला हूँ और एंटमैन मूवी क्वांटम मिनिया में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो एवरीथिंग, सारी वो डिटेल आई है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ और इसको जानकर आप पागल हो जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सारे अपडेट के बारे में। तो जब काउंटर मिनियम मूवी आप स्टार्टिंग में देखोगे तो आपको एक फ्लैशबैक का सीन देखने को मिलेगा, फ्लैशबैक जिसमें कि जेनेट जो कि हैंक पेन की वाइफ है वो क्वांटम रियलम में फंसी होंगी। ठीक है, उनका ये कहना होगा जब वो सपने से बाहर आएंगी, फ्लैशबैक से बाहर आएंगी, हैंक पेन से कहेंगी कि मैं एक आदमी से मिली थी जिसका नाम था कैंग। ठीक है, उसने कब्जा करने की कोशिश करी थी पर मैं कैसे करके बच गई उस जगह से, बट अब मुझे महसूस होता है कि वो रिलीज हो चुका है, वापस आ चुका है और कुछ बड़ी खतरनाक गड़बड़ होने वाली है। तो मई से ही स्टार्ट होती है एंटमैन क्वांटम मिनिया कैंग के जरिए और कैंग वहां से इंट्रोडक्शन कराया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट कि आपने लोकी सीजन 2 में जब कैंग को देखा होगा तो वो कैरेक्टर अलग था और एंटमैन क्वांटम मिनिया में जो आपको कैंग देखने को मिलेगा वो कैरेक्टर अलग होगा, बिल्कुल डिफरेंट वर्जन होगा, डिफरेंट बोलने का स्टाइल होगा। क्योंकि लोकी सीजन 2 में वो एकदम समझ लो कि राज करके थक गया था, एकदम रिलैक्स हो चुका था, बिल्कुल टीवी चला चला के वो एकदम पक चुका था। पर ये वाला आपको जो कैंग देखने को मिलेगा वो एकदम यंग होगा। ठीक है, वो पुराना वाला, काफी टाइम पुराना वाला कैंग नहीं होगा, ये वाला बिल्कुल एक यंग होगा जो कि इस दुनिया पर राज करना चाहता है और क्वांटम सेंटर पर कब्जा करना चाहता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर किसी ने क्वांटम सेंटर पे कब्जा कर लिया, अगर आपने कॉमिक बुक पढ़ी है तो आपको पता ही है कि फिर क्या होता है एक्चुअली में। तो वही होने वाला है और पूरी की पूरी टीम यानी कि एंटमैन, वास्प, हैंग पिंग, जेनेट, ये सब मिलकर क्वांटम रियलम में जाती हैं और कैंग से फाइट करती हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, इस मूवी का जो पहला पार्ट था यानी कि एंटमैन मूवी में एक विलन था येलो जैकेट, उसका कैरेक्टर प्ले करा था कोरी स्टॉल ने जो कि येलो जैकेट का कैरेक्टर प्ले करते थे। तो फाइनली वो इस मूवी में रिटर्न हो रहे हैं, कंफर्म हो चुका है, बट वो किसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं? तो रूमर ये आ रहा है कि वो एक्चुअली में मोडोक का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। वो अपने ऊपर ऐसी रिसर्च करता है दोबारा से कि उसका सर काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और जो छोटी सी नीचे बॉडी रह जाती है, हाथ पैर पूरा धड़, वो स्ट्रेंथ हो जाता है। तो वो एक्चुअली में एस मोडोक का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, खास बात इस वीडियो की, कि जो हाईलाइट अपडेट है कि वो एक्चुअली में कैंग का एडवाइजर है इस मूवी में और वो उस मूवी का सेकंड विलेन होने वाला है। जी हाँ, सेकंड विलेन, जो कि बहुत बड़ी बात है कि हमें इस मूवी में दो बड़े विलेन से इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। एक तो कैंग का वेरिएंट जो कि बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपको उसमें मोडोक से इंट्रोडक्शन कराएगा जो कि एज एडवाइजर भी रहेगा और मूवी का मेन विलेन भी रहने वाला है। और अब बात करते हैं कुछ अदर अपडेट्स के बारे में जो कि इसी से रिलेटेड है, कि आपको इस मूवी में कैसी लैंग एज अ बिकम सुपर हीरो दिखाई जाएगी, यानी कि वो बिल्डअप होगी कैसे वो एंटमैन की बेटी नहीं रही है, डॉटर नहीं रही है, अब वो एक सुपर हीरो बन चुकी है। बट ये मत सोचना कि वो एक सुपर हीरो सेटअप मूवी कर रहे हैं यंग एवेंजर्स के टाइप, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर एक नई टीम सेटअप होगी जो कि F4 के नाम से जानी जा रही है, यानी कि उसमें 4 मेंबर होंगे, बट वो कोई फैंटास्टिक फोर टीम नहीं होगी। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। पर इसमें एक चीज का और हिंट दिया बहुत ही तगड़ा, नई टीम सेटअप होगी, फैंटास्टिक फोर से कनेक्ट होगी। तो आने वाले टाइम में MCU में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। और आज के इस वीडियो का सबसे हाईलाइट अपडेट कि इस मूवी में कैरल नाम का कैरेक्टर है जिसको प्ले कर रहे हैं, काफी टाइम से रूमर आ रहा था कि विल, ठीक है, वो इसको कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं, उनकी एंडिंग में फाइट देखने को मिल सकती है कैंग के साथ। तो क्या होगा वो तो हम मूवी देख के ही पता चलेगा। तो ओवरऑल ये सारे के सारे रूमर्स हैं और अगर ऐसा कुछ हुआ, फ्लैशबैक, मोडोक वगैरह, तो लिटरली मजा आने वाला है। और मुझे लगता है कि एंटमैन और एंटमैन द वास्प से ये तीसरा पार्ट शायद बहुत बड़े रिप्रेजेंट करा जाएगा मार्वल फैंस के सामने। और अब बात करते हैं ट्रेलर के अपडेट के बारे में। डिज्नी एक्सपो आ रहा है और थोड़े रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि आपको उस पर टीजर अनाउंसमेंट का झलक देखने को मिलेगी। प्रॉपर एक ट्रेलर रिलीज नहीं करा जाएगा, ट्रेलर रिलीज करा जाएगा अक्टूबर में या फिर वकांडा फॉरएवर के बाद ट्रेलर आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर एक। अब होपफुली डिज्नी एक्सपो में हमें क्या क्या देखने को मिलता है और उससे पहले आ रहा है सैंडिएगो कॉमिक कॉन, तो जितने भी होंगे अपडेट आपको मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो जाके फॉलो करो। और उसी के साथ गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय, जा रहा हूँ।